आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले हम लोग मगध विश्वविद्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आज हल्ला बोल का कार्यक्रम रखे हैं। हमारा प्रमुख मांग समय से नामांकन, समय से पढ़ाई, समय से एग्जाम और समय से परीक्षा फल का है। हमारा मांग है कि एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है उसको सख्ती से पालन किया जाए। यहाँ पे जो प्रभारी कुलपति को बना करके भेज दिया गया है, हमें ये मंजूर नहीं है। हमें एक स्थायी कुलपति की जरूरत है इस मगध यूनिवर्सिटी में, ताकि हमारा पूरा काम चल सके। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे छात्र जमा थे, वो कोई संगठन से नहीं थे, वो बस अपना काम कराने के लिए आए थे और सारे हताश और निराश थे। कुछ लोगों ने अपना बात भी यहाँ पे रखा, दूर से आते हैं, नालंदा से आते हैं, नवादा से आते हैं, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल से लोग चल करके यहाँ आते हैं और यहाँ कोई काम नहीं होता है। यहाँ कुलपति नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, कोई काम नहीं होता है और फिर वो दलाल के चंगुल में पड़ जाते हैं। दलाल के चंगुल में पड़ने के बाद उनका आर्थिक और मानसिक दोनों शोषण होता है। तो हम लोग राजभवन से यही मांग करते हैं कि यहाँ पे स्थायी कुलपति हो और जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो यहाँ पे समाप्त हो। नए छात्रावास की हम लोग मांग करते हैं और जो लंबित यहाँ पे छात्र संघ का चुनाव है, वो छात्र संघ का चुनाव बहुत जल्द से जल्द कराने की मांग करते हैं। सोनू कुशवाहा, आई सर।